हाँ तो भाई कल स्मैकडाउन पर आपने देखा ही होगा कि एले नाइट ने भाई यूएस चैंपियनशिप के लिए ना एक ओपन चैलेंज रखा है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर जो कि बैशन बर्लिन में होने वाला है वहाँ के लिए। और अब भाई तभी से ना इसको लेकर सोशल मीडिया पर भाई स्पेकुलेशन काफी ज्यादा लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन होगा जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। तो भाई अगर देखा जाए ना तो एजे स्टार को लेकर स्पेकुलेशन काफी ज्यादा हाई है इस वक्त कि यही एले नाइट के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा होता है ना तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एजे स्टार के लिए भाई बुरा जरूर लगेगा क्योंकि दोस्तों इतने दिनों बाद एक तो इनका रिटर्न होना है और आते भाई ये मैच हार जाएंगे क्योंकि भाई एले नाइट ना भी इतनी जल्दी नहीं हारने वाले इस टाइटल को। और वैसे भी एजे स्टाइल अगर इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते भी ना तब भी भाई इनको हारना ही पड़ेगा और वैसे भी पास्ट में इनकी हिस्ट्री भी रह चुकी है तो भाई चांसेस तो है कि पॉसिबली हमको एजे स्टाइल ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिख सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ और भी नाम है जैसे कि नाकामुरा हो गए और विंची का भी नाम बताया जा रहा है क्योंकि इस वक्त काफी टाइम से इनको हाइप करते हुए ना एक वीडियो पैकेज दिखाया जा रहा है वीकली शो पर, तो चांसेस तो भाई इनके भी बनते हैं लेकिन एजे स्टाइल की पॉसिबिलिटीज ना काफी ज्यादा हाई है इस वक्त। खैर दोस्तों वो तो अब नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो कौन होता है जो कि एले नाइट के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमको जरूर बताएगा। तो भाई रोमन रेंस यानी असली ट्राइबल चीफ की वापसी हो चुकी है, जे उसो और सैमी जैन का रियूनियन भी हो चुका है और टीस तक मिल चुका है ओजी ब्लड लाइन का, लेकिन जिमी उसो उनका तो भाई जैसे कि कोई अता पता ही नहीं है क्योंकि भाई मैं खुद ही काफी टाइम से इनके रिटर्न को लेकर बता रहा हूँ कि अब आएंगे नेक्स्ट वीक आएंगे प्रीमियम लाइव इवेंट में आएंगे, लेकिन कहीं भी भाई इनका रिटर्न अभी तक देखने को नहीं मिला है। और रिसेंटली दोस्तों इनकी फोटो भी देखने को मिली थी जहां पर ये काफी फिट भी दिखाई दे रहे हैं और वैसे भी पहले ही पीडब्ल्यू इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म भी कर दिया था कि जिमी उसो अपनी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब रही बात इनके रिटर्न की ना तो भाई यहाँ पर कुछ कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन स्पेकुलेशन है कि बैश इन बर्लिन के बाद या तो डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ स्मैकडाउन पर देखने को ये मिल सकते हैं जब स्मैकडाउन भाई फॉक्स से हटकर यूएसए नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि भाई वहां पर ना डब्ल्यूबी वाले को भाई कुछ तो बड़ा या सरप्राइज तो करना ही पड़ेगा, भाई पहला शो है यूएसए नेटवर्क का तो हाइप तो बनाना है भाई। और वैसे भी रोमन रेंस एडवर्टाइज थे उस शो के लिए लेकिन वो भी अब हट चुके हैं, तो भाई आप मान सकते हैं कि डब्ल्यूबी इनकी जगह पर जिमी उसो को रिटर्न करवा सकती है जो कि काफी सही भी है क्योंकि भाई अभी तो ब्लड लाइन में बहुत से रिटर्न होने बाकी है और ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन तो भाई अभी बहुत आगे तक चलेगी भी, तो इसलिए भाई थोड़ा सा वेट करिए और अब नेक्स्ट मंथ स्मैकडाउन का ही वेट करिए, क्या पता उसी शो के लिए डब्ल्यूबी ने इनको अभी तक सेव करके रखा हो। खैर दोस्तों वो तो अब जब स्मैकडाउन नेक्स्ट मंथ यूएसए नेटवर्क पर आएगा ना तभी जाकर क्लियर होगा, लेकिन वैसे और कोई भी अपडेट इनके रिटर्न को लेकर भाई कहीं से भी आ नहीं रही है सिवाय रूमर्स और स्पेकुलेशन को छोड़कर। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या थॉट्स है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूबी के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।